अध्यापक वर्ग तथा यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राओं, मैं मंजू जमा दो कक्षा की छात्रा आज की प्रार्थना सभा का संचालन करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का प्रार्थना सभा में उपस्थित होने पर सावित्री बाई फुले सदन की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अच्छे विचार हमेशा हमारे जीवन में उत्साह भरते हैं। हमें प्रतिदिन एक अच्छे विचार के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। मैं आज के विचार के लिए मंच पर बुलाना चाहती हूँ छठी कक्षा की छात्रा मान्या जी को। अवसर खुद नहीं आते, हमें उन्हें बनाना पड़ता है। मैं अपना विचार पुनः दोहराना चाहती हूँ। अवसर खुद नहीं आते, हमें उन्हें बनाना पड़ता है। तहे बाय मुकेश अंबानी, थैंक यू। धन्यवाद मान्या जी। समाचार हमारे सुबह की पहली जरूरत है। समाचार हमें वर्तमान समय में हो रही देश विदेश की घटनाओं से अवगत कराते हैं। आज के समाचार को प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ जमा दो कक्षा की छात्रा दिव्या जी को। यह विद्यालय का सूचना एवं प्रसारण केंद्र है। अब आप दिव्या से आज के समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। अंतिम व सातवें चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में घटिया दवाइयों के उत्पादन की बढ़ती घटनाओं पर जताई चिंता। अदालत ने इसे रोकने के लिए दोषी दवाई निर्माताओं और प्रयोगशालाओं के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किए सरकार को आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मुल्थान में सड़क पर 6 फुट मलबा। बहाली में लगेगा वक्त। जिला मंडी के प्राथमिक स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाने के लिए तैयारी। जिले के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। CBSE की ओर से कक्षा 12वीं और 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित। अब कुछ खेल समाचार सुनिए। लगातार खराब मौसम के कारण गुजरात टाइटन्स और नाइट राइडर्स के बीच मैच रद्द। अर्सेनल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर प्रीमियर लीग में शीर्ष स्थान हासिल किया। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्या जी। प्रतिस्पर्धा वाले इस युग में सामान्य ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। यह सबके सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होता है। अब मैं हमारे ज्ञान को परखने और उसमें वृद्धि करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी 7वीं कक्षा की छात्रा अवंतिका जी को। प्रश्न नंबर 1, खो खो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5th कक्षा से 7th रो नंबर। मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराती हूँ। खो खो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या। धन्यवाद अवंतिका जी। अब मैं विषय के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी 9वीं कक्षा की छात्रा कृतिका जी को, जिसका विषय है ज्ञान का स्रोत पुस्तकें। नमस्कार। आज का विषय ज्ञान का स्रोत पुस्तकें। प्रसिद्ध विचारक वोल्टेयर के मतानुसार सभी राष्ट्रों को छोड़कर शेष संपूर्ण विश्व पर पुस्तकों का ही शासन है। पुस्तक और पुस्तकालय वास्तव में किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास के तर्क के प्रतीक है। सच्चा मित्र वह है जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, जो प्रत्येक स्थिति में हमारी सहायता के लिए उपलब्ध हो। अधिकांश मित्र स्वार्थी और अवसरवादी होते हैं। वे जब चाहे हमें अपनी सहायता एवं परामर्श से वंचित कर सकते हैं। पुस्तकें उस मित्र के समान होती है जिस पर सदैव भरोसा किया जा सकता है। महाभारत, श्री भगवत गीता, रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहब आदि ऐसे ग्रंथ अथवा पुस्तकें हैं जो प्रत्येक संकट के समय हमारा मनोबल पुष्ट करती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। पुस्तकें कई प्रकार से हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करती है। कुछ पुस्तकें हमको जीवित रहना सिखाती है तथा कुछ पुस्तकें हमें कष्ट सहन करना सिखाती है तथा कुछ पुस्तकें हमको यह भी बताती है कि मृत्यु का आलिंगन किस प्रकार किया जाता है। विश्व में जितना भी ज्ञान है सब पुस्तकों में ही निहित है। पुस्तकें हमारी वे मित्र है जो बदले में हमसे कुछ नहीं चाहती। वे बदले में हमसे यह आशा करती है कि हम उन्हें संभाल कर रखें, जिसे आवश्यकता होने पर वे हमारी सहायता कर सके। पूज्य बापू महात्मा गांधी ने भी कहा है कि पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक दिखाते हैं जबकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्ज्वल करती है। अच्छी पुस्तकों के पास होने से हमें अपने भले मित्र
मित्रों के साथ न रहने की कमी नहीं खटकती है। एक अरब विद्वान के अनुसार पुस्तकें जेब में रखा हुआ बाग है जो हमारे मन को सदैव सुवासित एवं प्रफुल्लित रखता है। पुस्तकें हमें सब तरह का ज्ञान उपलब्ध करवाती है। आप ये पुस्तकों को अपना मित्र बनाइए और समस्त समस्याओं के समाधान का उपाय प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा जी, आप सभी का धन्यवाद। अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।